अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी ठीक हूँ, मैं हूँ आसिम मलिक, आप देख रहे हैं आसिम मलिक ब्लॉग चैनल। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, बात देखिए अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ में खुश और बात रहें। हमारी हर वक्त ईद है, और जो लोग हमें अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उन सबका शुक्रिया, और हमेशा सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। आप सबका शुक्रिया। और आज का ब्लॉग और आज की रूटीन यहीं से शुरू करते हैं। साथी का वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बेहद सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और एंड तक ज़रूर देख करें। आप सबका शुक्रिया। अभी जो हम पहुँचे हैं इस शॉप पर, यहाँ पे बिताली अड्डे, और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है सामान लेना हमने, तो उसके बाद जो होगी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पिकड़े हैं शॉप पर, यहाँ से जो है सामान ले लिया, और उसके बाद ये रहे मोहसिन भाई, मोहसिन भाई भी साथ हैं, तो आगे चल रहे हैं वहाँ से जो है पेट्रोल वगैरह डलवाने वो डलवाते हैं, और यहाँ से डलवा रहे हैं पेट्रोल। यहाँ पे जो है ना पंप वगैरह तो नहीं है जैसे होता है, और यहाँ पे जो है बोतलों में पैक किया हुआ है और वो डलवा रहे हैं पैक में। तो ये सामान हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो पेट्रोल डलवाने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। सामान जो लेना था हमने ले लिया, और उसके बाद अभी जा रहे हैं घर, और ये हमारा दोस्त भी साथ है, काफ़ी अच्छा दोस्त है हमारा। जाल भी कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तो चश्मा आप बताना कैसे लग रहा है? ये भाई का चश्मा है, मैंने बोला थोड़ा चेक करवा दें, तो बस काफ़ी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और यात्री कैसे हो, मज़े में? और अभी जो है ना मैं कहीं जा रहा हूँ, और पैदल चलने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और साथ ये देख सकते हैं गन्ने की फसल है और काफ़ी अच्छी, और पीछे जो है ना हमारे घर के सामने वहाँ पर गन्ने की फसल कट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी खड़ी हुई है क्योंकि ये आगे बीज वगैरह के लिए, आगे मतलब बीजेंगे इसको दोबारा, तो इसलिए अभी खड़ा है। तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, ये भी आपको जाके बता दूँ कहाँ जा रहा हूँ, और बस करीब ही जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है वहाँ पर, तो वो करते हैं इंशाल्लाह से। उसके बाद जो भी होगी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, ज़्यादातर होती नहीं है, जो भी होगी तो साथ रहिएगा। और अभी जो है ना मैं इस सड़क पर जा रहा हूँ, और आगे थोड़ा सा काम है, और यहाँ की फसल देखें, और उसके बाद ये देखें खजूर के दरख्त हैं काफ़ी माशाल्लाह बड़े हैं, और उसके बाद इसके ऊपर फल भी लग रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा और प्यारा विलेज है ये। और यहाँ पे जो है ना मोटर बाइक पे और गाड़ी पे जो है ना इतना मज़ा नहीं आता जितना पैदल चलने का आता है, और दिल को काफ़ी ठंडक और सुकून महसूस होता है। ये देखें बस यहाँ पे ऐसे लगता है, बस दिल करता है कि चलते ही रहें, चलते ही रहें, कहीं पे रुके नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे। और अभी जो है ना मैं आया हूँ चाचा मुख्तियार के घर, ये आप देख सकते हैं इनका घर है, और यहाँ पे फ्लावर देखिए कितना प्यारे प्यारे फूल, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना इनकी सरसों की फसल थी जो अभी कट हो चुकी है, और उसमें अभी गन्ने की फसल भेजी है, और अभी जो है ना उग रही है फसल हो रही है, तो उसके बाद ये गंदम की फसल है, वो देखिए सूख चुकी है और पक चुकी है, हरियाली ख़त्म होती जा रही है। और उसके बाद ये घर है इनके घर जो है ना, थोड़ा सा काम है मुझे तो वो करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर वापस, और चाचा मुख्तियार के घर गया था, और उनके पास है स्प्रे करने वाली मशीन जो होती है, तो उसका पूछने गया था, क्योंकि हमारे घर कुछ पैंगिंग वगैरह जो है ना बीजे हुए हैं, उनको कुछ बीमारी लग गई थी तो स्प्रे करनी थी, तो इसलिए जो है ना उनके घर गया था उससे मशीन का पूछने। तो उनका बेटा जो है वो घर पर नहीं है, और उसको पता है मशीन का, तो स्प्रे भी वही करेंगे, और अभी वो घर पर नहीं है। चाचू ने बोला है कि जैसे वो घर पे आते हैं तो उनको भेज दूंगा, तो शाम तक जो है ना फिर मशीन भी आ जाएगी और लड़का भी स्प्रे करेंगे। और बैंगन को जो है ना बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह और बीमारी लग चुकी है, और बैंगन भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन बीमारी लग चुकी है, तो स्प्रे करेंगे अब। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ताज़ा फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना, अपना ख्याल भी रखना, और मिलते हैं नए फ्रेश व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।